हिमाचल निर्माता डॉ यशवंत सिंह परवार के 116वें जन्मदिन पर राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में अपेक्षाकृत कम लोगों की मौजूदगी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भावना से कार्यक्रम को विधानसभा सचिवालय से पीटरहॉफ शिफ्ट किया गया है वो भावना आज इस कार्यक्रम में नहीं दिख रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉ यशवंत सिंह परमार को हिमाचल निर्माता के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में हिमाचल ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन जब 2018 में विधानसभा के पुस्तकालय भवन में आयोजित हो रहा था तो कुछ पूर्व विधायकों को भी बैठने की जगह नहीं मिली थी। ऐसे में एक विचार आया कि इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल निर्माण में डॉ वाई एस परमार के योगदान और प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉ परमार के मार्गदर्शन पर हिमाचल आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में हिमाचल तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हिमाचल तब और अब को लेकर एक विशेष कार्यक्रम चलाया है जिसे लेकर प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, इसका श्रेय हिमाचल के मेहनती लोगों को जाता है। सबसे पहले मैं डॉ यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, सदैव हम उनको इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि हिमाचल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। उनको जन्मदिन के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, परिवारजनों को भी देता हूं। और हिमाचल प्रदेश के निर्माण में डॉक्टर वाई एस परमार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के साथ हिमाचल की प्रगति में भी आगे बढ़ करके एक लगातार उनका योगदान रहा। और हिमाचल प्रदेश गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजत्व का दौर जो है वो उनके नेतृत्व में पूरा हुआ है। और दूसरी बात, आज मुझे इस बात को लेकर के भी जिन बातों को लेकर के उन्होंने अपने उस दौर में शुरू के दौर में जब कठिनाइयां बहुत थी, हिमाचल प्रदेश में विकास करना सरल काम नहीं था, साधन बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फोकस हो करके अपने काम को किया कि सड़कें अगर गांव में पहुंचेगी तो विकास स्वतः वहां पर पहुंचेगा। लोगों की पीठ का बोझ उतारना ये हमारा पहले लक्ष्य रहना चाहिए। जब वो प्लानिंग कमीशन की बैठक में जब पूछा गया उनसे कि आप अपनी प्राथमिकता, क्योंकि आपका नया राज्य बना है तो नए राज्य की प्राथमिकताएं, तीन प्राथमिकताएं जिनके लिए केंद्र आपको सहयोग करे, मदद करे, ऐसी चीज़ों का जिक्र करें आप, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हिमाचल के लिए मेरी प्राथमिकता सड़क सड़क सड़क। और इसका भाव यही था कि सड़क हिमाचल के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में हम अपने पांव पर खड़े हो इस दृष्टि से जो एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किए और उसमें आज हम उस तरह से देख सकते हैं कि आज हमारी एप्पल की इकोनॉमी 5000 करोड़ रुपए की है। और उस दौर में जो कठिनाइयाँ थी, आज के इस दौर में वो कठिनाइयाँ नहीं है। इसलिए नई जनरेशन के ध्यान में इस बात को हम ज़रूर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल के अस्तित्व के, हिमाचल के गठन के 75 वर्ष हुए हैं और 75 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल तब और हिमाचल अब, इस भाव को लेकर के पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और उन कार्यक्रमों में हमारा फोकस है कि हमारी नई पीढ़ी जाने कि हिमाचल जब अस्तित्व में आया था हम कहाँ थे और आज हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष हो गए पूरे, तो हम आज कहाँ पहुँचे हैं। और उस सारी चीज़ को लेकर के प्रदर्शनी बना करके हमने तैयार की है, डॉक्यूमेंट्री हमने बना करके तैयार की है, उसके माध्यम से नई जनरेशन, नई पीढ़ी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में उस वक्त की जो प्राथमिकताएँ थी, आज भी वो प्राथमिकताएँ उसी रूप में हैं। सड़कें बनी हैं, आज हिमाचल प्रदेश में 39,500 किलोमीटर सड़क है, लेकिन उसके बावजूद उन सड़कों को और बेहतर करना प्राथमिकता आज की हमारी है। कुछ गांव ऐसे रह गए जहां पर सड़क पहुंचानी है, वहां पर सड़क पहुंचाना। तो इस दृष्टि से जो सारी चीज़ें आज के इस दौर में जो करने की हैं उनको आगे बढ़ाएं, इस बात को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश ने प्रगति की है, लेकिन प्रगति के अभी तक बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जहाँ पहुँचना भी बाकी है। देखिए, अपने संस्कृति को भूल करके हमको आगे बढ़ना, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। आगे बढ़ने के लिए सबको अधिकार है, आगे बढ़ना चाहिए। और आज के
इस टेक्नोलॉजी के युग में और आजकल के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में स्वाभाविक रूप से हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ करके काम करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद अपनी भाषा, अपनी पहाड़ी भाषा, अपनी संस्कृति जो हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है उसको साथ लेकर के चलें, यही मेरा नई जनरेशन से है।